एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाएं, वैकेंसी आएगी तो उसका अपडेट कहां से मिलेगा, ग्राउंड स्टाफ कैसे बने, कैबिन क्रू कैसे बने, अपने सपने को जो कि है एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना, इसे पूरा कैसे करें। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो आज का ये वीडियो आपके इन क्वेश्चंस को, आपके इन सवाल का हल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू दोनों की वैकेंसी का अपडेट, और सबसे बड़ी बात इसमें ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन दोनों के बेसिस पे वैकेंसी का अपडेट है। ये जो वैकेंसी का अपडेट है ये स्पाइसजेट और अकासा एयरलाइन का है, जिसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इसके बाद एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का जो आपका सपना है वो पूरा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जो कि है स्पाइसजेट का, और ये कंडक्ट हो रहा है एक वॉक इन इंटरव्यू के फॉर्म में। एक बात यहां पर जानने और समझने की है कि स्पाइसजेट डिफरेंट एयरपोर्ट्स के लिए टाइम टू टाइम वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराते रहता है और इसके थ्रू ग्राउंड स्टाफ का सिलेक्शन करता है। बात करें अगर कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो लोग जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, सिक्स सेमेस्टर या फिर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आज की ये जो वैकेंसी है जो कि है स्पाइसजेट में ग्राउंड स्टाफ की, इसके लिए आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक बात और ध्यान देने की है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बीई बीटेक एएमई क्वालिफाइड या फिर सीपीएल होल्डर, यानी कि किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना लक ट्राई करना है तो आप लक ट्राई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज का बाउंडेशन दिया गया है मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 27 इयर्स, यानी कि 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में ये जो एज का वेरिएशन है, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आपको यहां पर ट्राई जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से एयरलाइन एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये जो वैकेंसी है एज पर द डिटेल्स शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया ऑफ एयरलाइन, यहां पर एक बात आती है क्लियर, और वो ये कि ये जो वैकेंसी कंडक्ट हो रही है, ये जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, ये हो रहा है ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए। बात करें काम क्या करना होगा, तो अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो फ्लाइट के L1 पे, यानी कि फ्लाइट के दोनों डोर्स पे और पीछे वाले साइड में जहां पर बैगेज की लोडिंग होती है, चेकिंग काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने से पहले कई बार आपका बैगेज चेक होता है। सिक्योरिटी की टीम बैगेज स्कैनर्स में आपके बैग को डालकर चेक करती है। कार्गो, केटरिंग, इन सभी जगह पे एज पर द प्रोसेस ऑफ एयरलाइन SOP या फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको गाइडलाइंस हैं, वहां पर आपको काम करना पड़ता है, जिसमें जो मेन आता है वो है एयरलाइन इनके एसेट्स और पैसेंजर के बैगेज और पैसेंजर की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होता है। जॉब के नेचर को देखते हुए आप किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, 24/7 कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। ये है एक वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि सीधी भर्ती। कहने का मतलब ये है कि अगर इस इंटरव्यू में, यानी कि जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद शायद ही कोई अड़चन होती है, शायद ही कोई बैरियर, शायद ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आपको जॉब मिल जाती है। तो मेक श्योर कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप पूरी तैयारी करके जाएं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ कैरी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, अगर उनके रिगार्डिंग बात करें, तो अभी जो आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप गूगल पे चेक कीजिएगा, और नहीं तो वीडियो के आखिरी में मैं इसका लिंक दे दूंगा। एक वीडियो मैंने बना रखा है इसी के रिगार्डिंग स्पेशल, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्पाइसजेट में ग्राउंड स्टाफ के इस वैकेंसी अपडेट के बाद अब बात करते हैं 12th बेसिस पे अकासा एयरलाइन में अभी के टाइम में जो वैकेंसी रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि है कैबिन क्रू के लिए। कैबिन क्रू का नाम सुनकर आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि 12th बेसिस पे 12th पास कैंडिडेट के लिए ये जो वैकेंसी है, इसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी भी एक वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, यानी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज आपकी होनी चाहिए 18 टू 28 के बीच में। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से, किसी एयरलाइन में आप काम कर चुके हैं, तो अप टू द एज ऑफ 35 तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरलाइन एयरपोर्ट में कैबिन क्रू के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है, जिसमें बात करें अगर हाइट की, तो फीमेल के लिए ये हाइट होनी चाहिए 150
155 सेंटीमीटर और मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया यहाँ पर मांगा गया है 10+2 और BMI रेंज होना चाहिए फीमेल के लिए 18-23 और मेल के लिए 18-25। जॉब के नेचर को देखते हुए और इंटरव्यू के तरीके को देखते हुए इंटरव्यू जो होता है वो प्योरली इंग्लिश में होता है। आपकी इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वैसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन तब भी अगर आप इंटरव्यू के लोकेशन पर जा सकें तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी में अपीयर होना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पर अभी जो आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जो कि है अकासा एयर में केबिन क्रू का, जिसके लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। 12th बेसिस पे ये जो वैकेंसी है, इसके लिए दोस्तों बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो इंटरव्यू में जाने से पहले मेक श्योर कि अभी वीडियो के स्क्रीन पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ओपन होता है वो होता है आपका रिज्यूम। अपने रिज्यूम को आप अपडेटेड कर लीजिएगा, बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेशंस हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उन सबको साथ में आप कैरी कर लीजिएगा। तो अब बात ये आती है कि अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं या फिर आप नहीं जा सकते उस जगह पे, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल सही तरीके से मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है आगे बताऊंगा, अभी बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, एयरलाइन आपको रेकमेंड करती है और मैं भी रेकमेंड करता हूं कि आप किसी भी वैकेंसी में जाएं, आपको अप्लाई करके जाना होता है। ठीक उसी तरह यहां भी आपको अप्लाई करके जाना है, जिसका के लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहां पर 1x1 जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप इसे फिलअप कीजिए। मेक श्योर कि जो भी आप फिलअप करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कहीं कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। सब कुछ करने के बाद सबसे नीचे जो भी आपको अटैचमेंट मांगी गई है आप उसको अटैच कीजिए, अटैच करने के बाद सबमिट कीजिए। उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसे नोट कीजिए। एंड वंस अगेन, वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, एड्रेस, यहां पर ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, आपको यहां पर चले जाना है अभी जो आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं इन सभी को लेकर। तो वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है अकासा एयर की 12th बेसिस पे मेल फीमेल दोनों के लिए, इसके लिए अगर आप अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसके लिए अगर आप अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपना सारा डिटेल वीडियो के स्क्रीन पे अभी जो आप ईमेल आईडी देख पा रहे हैं यहां पर भेज देना है। एयरलाइन आपके डिटेल को चेक करेगी, समझेगी, और अगर आपका डिटेल उनके काम का लगा तो आपके ईमेल पर ही एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिसमें इंटरव्यू का पूरा डिटेल दिया रहेगा। तो दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर कुछ आपको डाउट है तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझसे कनेक्ट होकर मैसेज कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, या फिर ज्यादा अर्जेंट है तो कॉल भी कर सकते हैं। वैसे जैसा मैंने बताया था, अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए नीचे वाले वीडियो को और लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।